वेलकम टू प्रमिला रेसिपी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसन का चीला की रेसिपी, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी होता है और वेरी वेरी टेस्टी होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है बेसन का चीला। बेसन के चीले के लिए हमने लिया है 1 बॉल इसमें बेसन। ये मीडियम है, ना बहुत ज्यादा बारीक है और ना ही ये बहुत ज्यादा मोटा है। हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे, इसमें अपना बेसन ऐड कर लेते हैं और इसमें हम मसाले डालते हैं कुछ। 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टी स्पून अजवाइन क्रश की हुई, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स, गार्लिक जिंजर पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम बैटर तैयार करते हैं। एकदम पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखिए बिल्कुल हमारा बैटर इस तरह का होना चाहिए चीले का। अब इसको हम 10 मिनट्स के लिए कवर करके रख देते हैं। 10 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ अनियन, कोरिएंडर ऐड कर देते हैं इसमें। अगर आप प्याज खाते हैं तो जरूर डालिएगा। अब इनको सबको अच्छे से कर लेते हैं एक बार मिक्स। अब सभी को हमने मिक्स कर लिया है, अब चलिए अपना चीला बना देते हैं। चीला बनाने के लिए एक नॉन स्टिक पैन ले लें, क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन में ही अच्छा बनता है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून डालेंगे वेजिटेबल ऑयल, इसको गरम कर लेते हैं। चेक कर लें आपका ओवन गरम हो चुका है पैन। अब इसमें हम बैटर ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम को लो फ्लेम पे रखेंगे हम और इसमें अपना बैटर हम डाल देते हैं और इसको फैला देते हैं। हमने बैटर डाल दिया है इसमें और पूरे पैन में इसको अच्छे से फैला दिया है। लो टू मीडियम पर ही इसको हम रखेंगे। ये देखिए हमारे चीले का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डाल देते हैं 1 टेबल स्पून, जिससे हम इसे दूसरी साइड करेंगे तो चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। वैसे भी आप इसमें नॉन स्टिक पैन में बहुत कम, इससे भी कम ऑयल में बना सकते हैं। अब इसका हम इसको दूसरी साइड चेंज कर देते हैं इसकी। ये देखिए अगर आपको चीला हैंड टू हैंड बनाना है, जल्दी है, आपको टाइम नहीं है कि आप उसको 10 मिनट्स रखें, तो आप उसमें 1 पिंच खाने का सोडा ऐड कर दीजिए तो आप इसको हैंड टू हैंड बना सकते हैं। और आपके पास टाइम है तो 10 मिनट्स, 20 मिनट्स या 30 मिनट भी इस बैटर को तैयार करके रख सकते हैं पहले से ही। हम चेक कर लेते हैं हमारा, ये देखिए दूसरी साइड से भी बिल्कुल अच्छा हमारा चीला बन के तैयार हो चुका। हम इसमें प्लेट में निकाल लेते हैं इसको। लीजिए तैयार होगी हमारी चीले की प्लेटिंग। आप इसको हरी चटनी दही के साथ में नाश्ते में ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, या आपका जब भी मन करे तो चीले बनाइए और खाइए। और हमारी प्रमिला की रेसिपी को फ्रेंड्स कर दीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आपको इसको दिखाते हैं हमारा चीला कितना सॉफ्ट है। ये देखिए कितना फ्लफी है ये देखिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जैसे कि हमने पहले कहा है, और बेल आइकॉन फ्रेंड्स बिल्कुल प्रेस करना ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं आपको एक न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।